अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं? स्पाइसी स्टीम्ड फिश। केले के पत्ते में हम स्टीम कर देंगे इसको, स्टीमर है मेरा यहाँ, और इसको चावल के साथ सर्व करेंगे। इसका बहुत मज़े का एक सॉस बनेगा। पहले हम केक बनाते हैं, एज़ यूजुअल हमेशा पहले केक बना लेते हैं। आज हम बना रहे हैं एप्पल केक, लेकिन एप्पल क्रम्बल केक। वो कैसे बनाएंगे? मेरे पास यहाँ आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, 2/3 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, वेनिला एसेंस है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रीम चीज़, ठीक है, आधा कप जितना। 3 चम्मच इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर के, 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर है। यहाँ मेरे पास 600 ग्राम जितने एप्पल्स हैं, काट के पानी में रख दिए थे बिकॉज डिसकलर नहीं हो जाएं, और मैदा है 2 कप। सब कुछ मिक्स करके फिर हम डिश में रख देंगे। और उसके बाद यहाँ जो सारे अज्जा आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें मैदा है, मक्खन है, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, दानेदार चीनी है, दारचीनी है, और यहाँ मेरे पास बादाम है पिसे हुए, ये सब कुछ मिक्स करके ऊपर से हम डालेंगे। क्रम्बल होगा और फिर हम उसको बेक करेंगे, तो ऊपर क्रिस्पी सा, मज़ेदार सा, बादाम के टेस्ट वाला, अंदर एप्पल का केक, बहुत ही मज़ेदार सा टी टाइम का केक ये है। तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अ बिग थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने छुट्टियों में इस वीकेंड पे बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ ट्राई की। बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं तस्वीरें, बहुत सारे लोग मुझे फूड डायरीज़ के पेज पर लिखते हैं, कुछ लोग मुझे मेरे अपने फेसबुक के पेज पर लिखते हैं, तस्वीरें भेजते हैं। बहुत शुक्रिया सबका तहे दिल से, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा और रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, नाउ मक्खन, चीनी, तीन अदद अंडे एक के बाद एक, एक मिक्स हो जाए फिर दूसरा, दूसरा भी मिक्स हो जाए फिर तीसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि मैं इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें बनाती हूँ, थोड़ा सा प्रेप जाता है। 1 घंटे का शो तो हम लेके चलाते हैं 2 रेसिपीज़ के साथ, लेकिन प्रेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी घर में शॉर्ट ऑन टाइम हो तो सारी चीज़ें इस तरह पहले इकट्ठी करिएगा, मेजर करिएगा, तोलिएगा, नापिएगा, मैदा वगैरह छान के रखिएगा, और फिर उसके बाद आप कुकिंग, बेकिंग सब कुछ शुरू करिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलो अब अंडे डाल दिए, अब कुछ ढूंढने जा रहे हैं, मक्खन चला गया, आप कुछ और चाहिए, कुछ घर में नहीं है तो नहीं बनाना शुरू करें। बहुत दफ़ा हम सब्स्टिट्यूट्स आपको बताते हैं, नेमुल बदल बताते हैं कि इस चीज़ की जगह आप ये चीज़ डाल दें, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आप कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा की जगह कुछ और नहीं डाल सकते हैं। सो बी केयरफुल, सब जो घर में हो चीज़ें पहले रखिए, रेसिपी का पेपर रखिए अपने सामने, सारा कुछ बाय करिए फिर बनाइए। वेनिला एसेंस गोइंग इन, और फिर ड्राई चीज़ें सारी मैं मिक्स कर देती हूँ। सो यहाँ मैदा है, ये बेकिंग पाउडर है, ये कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर मुझे ज़्यादा लग रहा है तो आई विल टेक ओनली अबाउट 3 टेबलस्पून्स, जो कि मैं लेवल्ड लूँगी, हीप्ड नहीं लूँगी, ये ज़्यादा था, ठीक है, ये हो गया। ओके, ये चला जाएगा, और फिर हम क्रीम चीज़ भी अभी डाल देते हैं इसमें। क्रीम चीज़ डालने से बहुत अच्छा रिच टेस्ट आएगा। अगर नहीं डालना है तो आप इसमें दही का मट्ठा भी डाल सकते हैं। मट्ठे का मतलब होता है हंकर्ड, जो आप मलमल के कपड़े में डाल के टांगते हैं ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डोंट ऐड दही ऐसे ही, बिकॉज उसमें बहुत पानी होगा। थोड़ा सा दही को छान के डालिएगा। ये हो गया। अच्छा, आज एनेक्स की तरफ से गिफ्ट है, डीलक्स ड्राई आयन। अगर आपको जीतना है तो आपने मुझे सेब से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताने हैं। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चलिए ये सब कुछ मिक्स करते हैं। फिर हम यहाँ से सेब लेते हैं, पानी में से मैं इसको निकाल दूँ, मैंने वहाँ छन्नी रखी हुई है सिंक में। लेट ऑल द एक्सेस वाटर ड्रेन ऑफ, पानी वाले सेब नहीं डाल दीजिएगा। इसको थोड़ा सा दबा के ऐसे करके मैं सारा पानी अच्छी तरह निकालना चाह रही हूँ, ठीक है, ये पानी निकलता जा रहा है।
और अब हम क्या डालेंगे, ये मैदा वगैरह है। सो मेरे पास आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, दो तिहाई कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, तीन अदद अंडे थे, एक टीस्पून वेनिला एसेंस था, आधा कप क्रीम चीज़ डाला हमने, तीन चमचे इसमें कॉर्नफ्लावर गया था, डेढ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर, दो कप मैदा और 600 ग्राम जितने सेब छिलका उतार के चॉप कर दीजिएगा। अच्छा, मीनवाइल मैं फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल यहाँ हमारे डिश में या टिन में या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें डालेंगे और ब्रश की मदद से इसको हम पूरा ब्रश कर देंगे इस तरह। पायरेक्स के डिश में नहीं करना है, आप टिन में करिए, किसी भी चीज़ में करिए, आप कपकेक्स बनाइए इसी रेसिपी से, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब ये जो सारे सेब हैं जिसमें से अभी भी पानी निकल रहा है, इसको हम अच्छी तरह इसमें डाल देते हैं। सारे सेब डाल दीजिए, फिर मैदा, बेकिंग पाउडर, कॉर्नफ्लावर। छान के यूज़ करिएगा प्लीज़ सारे अज्जा, ओके, स्पेशली मैदा, बहुत जल्दी इसमें वो किल्ले या छोटे छोटे वो इंसेक्ट्स हो जाते हैं। मिक्स दिस ऑल वेरी वेल, फिर इसको हम डिश में रखेंगे। आपको ब्रेक तो नहीं लेनी, लेनी है ना तो ले लें, इसलिए कि मैं आप लोगों के सामने क्रम्बल बना के फिर फौरन रखूँगी। सो इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर डिश में हम इसको निकाल देंगे जिसको मैंने फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल के साथ ग्रीस किया है, फिर ऊपर क्रम्बल डाल के फौरन उस वक्त फिर मैं अवन में रख दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपको एनएक्स का गिफ्ट चाहिए तो जल्दी से 8881 पे मुझे SMS करिए, 8881 इस नंबर पे SMS करके मुझे बताइए एप्पल्स से, सेब से बनने वाले रेसिपीज के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। जी वेलकम बैक। अब देखें यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने ये एप्पल क्रम्बल केक का जो एप्पल वाला हिस्सा है उसको निकाल दिया है उस डिश में जिसमें हमने ग्रीस किया था फिलिप बेरियो ऑलिव ऑयल के साथ। बड़ा एक डिश लीजिएगा, ठीक है, ये देखें ये हो गया। स्प्रेड कर दीजिएगा इसको, मैं इस तरह स्प्रेड किया हुआ कर रही हूँ ताकि जल्दी बेक हो जाए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे सेब, कंजूसी नहीं करिएगा सेब डालने में, पूरा फुल ऑफ आमंड एप्पल्स होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर क्रम्बल बनाते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ से एक बोल ले लेती हूँ। इसमें ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। सो देखें ये बादाम हैं पिसे हुए एक कप, गरम पानी में बादाम डाल दीजिएगा, छिलका निकल जाए तो फिर सुखा के पीसिएगा। दानेदार चीनी है दो चम्मच, दारचीनी है एक टीस्पून भर के, ये मैदा है, मैदा दो तिहाई कप है और एक तिहाई कप मक्खन है, ये मैदा चला गया और मक्खन है। मक्खन ठंडा होना चाहिए, इस तरह मक्खन लीजिएगा और अब हम इसको अंदर कट इन करेंगे। कट इन का मतलब होता है इतना ठंडा मक्खन हो कि जब हम इसको अंदर मिक्स करें तो वो पिघला हुआ ऐसे फैल नहीं जाए, ओके। देखें सो मक्खन है, मैदा है, पिसे बादाम है, चीनी है और दारचीनी है, ये सब कुछ ऊपर जाएगा, ऐसे तोड़ते जाइए मक्खन को। मैं माइक्रोवेव में पिघला सकती थी लेकिन नहीं, इसको क्रम्बल वाले मक्खन को आपने ऐसे करके मिक्स करना है और बस वैसे पीसेस होने चाहिए, छोटे छोटे ठंडा ठंडा मक्खन। हो गया, अब थोड़ा सा एक दो पीसेस रह गए हैं बड़े, उसको भी मिक्स करते हैं, ऊपर डालते हैं, अवन में रख देते हैं। अगर छोटा टिन है टाइम लगेगा, बड़े टिन में जल्दी से फैला हुआ होगा बैटर तो जल्दी से हो जाएगा। आप इसको जल्दी जल्दी करने के लिए फूड प्रोसेसर में भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की चकल तैयार हो जाए तब आप उसको वो करिएगा। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज, हमारे कोई कॉल्स नहीं आ रहे आज, नंबर तो हमारा चल रहा है।
एसएमएस करिएगा अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। आपको बताना है मुझे सेब से बनने वाले रेसिपीज के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। चलिए चलिए, मिक्स्ड 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 एंड पॉर दिस ऑन टॉप इस तरह, ठीक है पूरा। फैला दीजिए ताकि पूरा केक कवर हो जाए। बहुत टेस्टी होगा, अंदर क्रीम चीज़ है, सेब है, इसके ऊपर बादाम है, बहुत मज़े का केक बनता है। इट्स अ वेरी नाइस क्रम्बल केक। पूरा ऐसे करके फैला दीजिए, लेकिन देखिए क्रम्बल का मतलब होता है ऐसे ऐसे दरदरा सा, भुरभुरा सा, बिल्कुल मैश अप नहीं कर दीजिएगा सब कुछ, सही है। और आप अवन में ठीक है। चलिए हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये मेरा स्टीमर है, आपको पता है ऑलवेज यूज दिस स्टीमर। इसमें पानी होता है नीचे, इस तरह एक जाली सी होती है। अगर नहीं हो तो आप किसी भी बड़े पतीली में अंदर जाली रख के फिर उसके ऊपर स्टीम कर सकते हैं। कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। सुनाइए आप। ठीक हूँ। मैंने ना 11 अगस्त को गिफ्ट जीता था, मुझे अभी तक मिला नहीं है। मिल जाएगा जी, सबको मिल जाते हैं, सबको सबको। कब तक? कब तक ये मुझे नहीं पता, एक डिपार्टमेंट है जो गिफ्ट्स के साथ डील करता है सारे शोज की, तो आपको भी मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज का जवाब भी देते जाइए। आज का सवाल मैंने भी देखा नहीं है। आज सेब से बनने वाले रेसिपीज के आपने नाम बताने हैं मुझे। किस चीज से? सेब, एप्पल्स, एप्पल्स। अच्छा अच्छा, एप्पल्स। ओके, एप्पल से केक भी बनता है, एप्पल शेक्स एंड मफन्स एप्पल फिलिंग के साथ बनते हैं। ठीक और है। बहुत से डेजर्ट हैं जो एप्पल से बनते हैं। ओके, एप्पल जूस। ठीक है ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, हमारी स्पाइसी स्टीम फिश है। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि क्या करना है। देखिए मैंने स्टीम फिश करने के लिए ये फिले मछली ली है, ठीक है, कांटा चमड़ा निकाल के। आपको कोई सी भी छोटी ट्राउट भी, जो हमने एक दफ़ा की थी अपने शो पे जब गेस्ट आए थे हमारे गेस्ट वीक में, छोटी ट्राउट भी पूरी आप इसमें स्टीम कर सकते हैं। सॉस के लिए जो मज़ेदार से जो एक्चुअल इसका मज़ा है सॉस में है, लाल वाली मिर्चें हैं। नाउ रिमेंबर, इस तरह की स्टीम फिश होती है, स्पाइसी थाई खाना होता है, वो स्पाइसी होता है, उसमें हम ताज़ा वाली लाल मिर्चें डालते हैं, मसलन ये वाली, ठीक है, दिस वन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ ये फ्रेश वाली, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी चीज़ एक हम यूज़ करते हैं, वो है रूट्स कोरिएंडर के, यानी धनिया, उसके डंडियाँ, वो फेंकिएगा नहीं। सो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम एक हमाम, अच्छा कॉलर पहले उससे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? मैं वही हूँ जो क्राउन पहनाना चाहती हूँ आपको। क्यों? अच्छा मैं आपको जवाब दे दूँ जी। ये एप्पल जैम, ओके, एप्पल पाई, एप्पल क्रम्बल जी, एंड एप्पल केक। ओके ठीक है, नोट कर। और बहुत सारी हैं वैसे, लेकिन मैं अब ये 4 बताइए आपको, बस मेरी तरफ वो कीजिएगा गिफ्ट देने का। ओके ठीक है, सबका नाम इंक्लूड करते हैं, जिसका लक होता है वो दिन जीत जाता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच अल्लाह। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा मैं एक बोल ले लूं, उसमें मैं सारी चीजें सॉस की मिक्स कर देना चाह रही हूं, ताकि मेरे लिए भी आसान रहे। सो रेड चिलीज, ठीक है, कहां रखूं, बहुत तेज है ये रेड चिलीज, बी केयरफुल। अच्छा जी, फिर इसमें हम डालेंगे कोरिएंडर रूट्स चॉप्ड, यानी धनिया की जो डंडियां हैं, धनिया के पत्ती की जो डंडियां हैं, वो फेंकिएगा नहीं, उसमें पूरा टेस्ट है। अच्छा जी, उसमें फिर हम लहसुन डालेंगे। ये सारी चीज़ें आप एक छोटे ग्राइंडर में डाल के एक दफ़ा पल्स कर दीजिए, या आप इसको मॉर्टर एंड पेस्टल जो होता है ना हमाम दस्ता, उसमें डाल दीजिए, उसमें कर दीजिए। थोड़ा सा कूटना है आपने उसको, बिल्कुल वो नहीं कर देना है। और थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, ये जो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा नमक, ठीक है, ये हो गया। तो नमक है इसमें, लाल वाली मिर्चें हैं, धनिया का जो पत्तियां हैं वो हैं, और लहसुन है, ये आपने डाल दिया, और ये थोड़ा सा आपने कूटना है।
समझ लीजिए आपने एक कूट लिया, कूट लिया, फिर उसके बाद आप इसमें डालेंगे फिश सॉस, लेमन जूस, मैं जरा लेमन को काट दूं, फिश सॉस वाले बोल में ही मैं लेमन वगैरह डाल देती हूँ और थोड़ी सी चीनी। ये लेमन जूस, फिश सॉस डालना बहुत ज़रूरी है। यस, फिश सॉस इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, यहाँ मिल जाता है बॉटल्स में। जब तक ये स्टीमर हमारा बिल्कुल रेडी हो जाए, पानी स्टीम हो, गर्म हो जाए, तब फिर हम इसको रखेंगे। ओके, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या है, फिश सॉस है, लेमन जूस है, और यहाँ से मैं लूँ तो चीनी है, थोड़ी सी चीनी, ठीक है। फिश सॉस, लेमन जूस और चीनी इसमें जाएगी। ओके, फिर आप क्या करिए, इसमें सिर्फ नमक लगा दीजिए, फिश को सिर्फ नमक लगा दीजिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा जो इसका है। अच्छा, लेमन ग्रास मुझे डालना है। लेमन ग्रास क्या होता है, ये आपको मिल जाता है थाई, जहाँ चीज़ें आप बाय करते हैं थाई इंग्रेडिएंट्स, उसके पास, सब्ज़ी वाले के पास ये लेमन ग्रास मिल जाता है। इस तरह की डंडियाँ होती हैं, मैं ला के फ्रीज़र में रख देती हूँ। मैं फिर क्या करती हूँ, उसको कूट लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कूट लेंगे इन सारी चीज़ों को आपके सामने, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी और फूड डायरीज के प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस शो के थ्रू। अगर आप जीतना चाहते हैं एनेक्स का ये गिफ्ट डिलक्स ड्राई आयरन, तो जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे सेब से, एप्पल से बनने वाले रेसिपीज के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। देखें, यहाँ मैंने कूट लिया है सब चीज़ों को जो मैंने आपको दिखाया था। अब ये जो लेमन ग्रास है इसको भी हम डालेंगे, बहुत बारीक नहीं मैंने काटा है, इस तरह काट लिया है, ठीक है। और ये भी चला जाएगा। हर चीज़ को कूट के डालेंगे ना तो उसका अपना एक फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। इस तरह आप इसको कूट लीजिएगा, बिकॉज ग्राइंडर में वो बहुत ज़्यादा पिस जाता है। वी डोंट वॉन्ट अ पेस्ट, वी वॉन्ट के इस तरह पाउंडेड हो, सिर्फ चलिए ये हो गया। अब यहाँ है लेमन जूस, नमक, चीनी और वो फिश सॉस, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया है, एक चिकन स्टॉक क्यूब के साथ, चिकन का स्टॉक क्यूब डाल के ये हमने इसमें इसका स्टॉक बना दिया है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए। फिश का क्यूब मिले तो फिश का क्यूब बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चिकन स्टॉक है, ठीक है। ये दिस इज़ ऑल नाइसली मिक्स्ड। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ये भी डाल देना है सॉस, फिश सॉस के साथ, और हर चीज़ हमें फिश पे लगानी है। आप 10-15 मिनट मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर ये स्टीमर हो गया है हमारा, पानी गर्म हो गया है, स्टीमर हमारा रेडी है। इसके ऊपर ये रख दीजिए केले के पत्ते, साफ़ करके धो के। केले के पत्तों में बहुत सारे क्विजींस में खाना पकता है, चावल बॉयल होते हैं इसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने भी पात्रानी मच्छी बनाई है, जो हम ग्रीन चटनी लगा के फ़िश करते हैं, पारसी लोगों की जो रेसिपी होती है। अब ये सारी चीज़ें आपने इसमें डालनी है। कॉलर हैं जी एक, हेलो। हेलो जी, जी हेलो, क्या हाल है? बस ठीक है, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी चीजें बनाते, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपका जवाब दूंगी जी। शेप का केक, शेप का जाम, शेप का क्रीमी सैलेड, शेप का जूस, शेप का मुरब्बा, शेप का शेक, शेप का जूस, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं रखिएगा, स्पाइसी स्टीम्ड फिश है, मछली तो बहुत जल्दी हो जाएगी। ये सारे फ्लेवर्स इसमें थोड़ी देर के लिए आप लगा के रखेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ों को ज़ाया नहीं करना है, हाथ बचाइएगा, आँखों में नहीं लगा दीजिएगा। ये देखें, ये सब कुछ ऊपर जाएगा, ऑल दिस। एक और कॉलर हैं जी, हेलो।
हेलो कहाँ गई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आपकी जरनक? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी। हाँ और क्या नाम है, मैंने आपसे पूछना था वो चॉकलेट है वो ना, तो वो चॉकलेट ना कैसे बनाते हैं, वो खाली चॉकलेट वो देते हैं कैसे बोलते हैं दुकान वाले से, इसमें ना कुछ मिला के तो बनाना है इसको। दुकान वाले से क्या कहा कि मिला के बनाना है? नहीं नहीं उसे बोला था ये चॉकलेट, तो वो बोलने लगे काफी इसमें ना कुछ मिलाते हैं फिर ये चॉकलेट खाने वाली बनती है। आपको क्या चाहिए, खाने वाली चॉकलेट? हाँ नहीं वो ना बोले थे खाली मिलती, किसी में कोई चीज बच्चों को बना के तो दे दे। चॉकलेट कोको पाउडर से बन जाती है लेकिन वो अच्छा टेस्ट नहीं आता है जो आपको मार्केट में मिलेगी, पहले आप कुकिंग चॉकलेट खरीदे उससे चीजें बनाएं। मैंने अच्छा। कोको पाउडर से घर में बनाने की कोशिश एक दफ़ा की थी बहुत सालों पहले, बन गई थी लेकिन वो टेस्ट नहीं आया था। हमारे टेस्ट बड्स जब बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए ना, हमें तो भाई अच्छी अच्छी चॉकलेट खानी है तो ये फिर हमें मज़ा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आपको ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और जवाब देते जाइए, सेब के रेसिपीज के नाम पूछे। मैंने पहली दफा आज जिंदगी में कॉल की है, मैंने कभी किसी के शो में कॉल नहीं की। थैंक यू जी, खुशामदीद। एप्पल से जैम बनता है और एप्पल से क्या नाम है वो मुरब्बा बनता है, ठीक है, एप्पल से केक भी बनता है और पेस्ट्री भी एक बनती है जिसमें एप्पल डाल। ओके बस ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बोले, अच्छा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लेमन ग्रास की मेरे किचन में, मैं आपको बताऊं क्या है, लेमन ग्रास के दो स्टॉक्स ले लीजिएगा, तोड़ दीजिएगा उसको, थोड़ा ब्रूज करना बहुत ज़रूरी है, साबुत नहीं डालिएगा, ठीक है। मछली है आधा किलो, लेमन के स्लाइसेस हैं, हरा धनिया है, लाल मिर्चें हैं, नमक है और स्टीम राइस के साथ आप इसको सर्व करिएगा। इसके अलावा जो सॉस में हमने लाल वाली मिर्चें यूज़ की थी, और लाल वाली मिर्चें प्लीज़ ताज़ी वाली लाल वाली मिर्चें लीजिएगा, और कोरिएंडर के रूट्स लिए थे यानी कि डंडियाँ, जो हरा धनिया होता है उसकी डंडियाँ ली थी उसको हमने कूटना है, लहसुन है, थोड़ा सा हमने नमक इसमें डाला था। चिकन या फिश का स्टॉक आपके पास, मछली बॉईल की हुई हो उसका स्टॉक हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चिकन के क्यूब को गर्म पानी में डाल के वो ले लिया था, उसमें हमने फिश सॉस डाला, नमक और थोड़ी सी चीनी डाली, लेमन जूस डाला, सब कुछ मिक्स करके मछली पर लगा दीजिएगा और उसको स्टीम होने दीजिएगा। लेकिन इस मसाले को आप पाउंड करिएगा, तोड़िएगा, इस तरह कूटिएगा, साबुत नहीं डालिएगा, और आप उसको ग्राइंडर में नहीं डालिएगा, हमें बहुत फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। ये बस स्टीम हो जाएगा मछली, इसको टर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना गर्म पानी था। ऑल डन। अब ये एप्पल क्रम्बल केक के लिए मैंने मक्खन लिया था, अंडे, वेनिला एसेंस, चीनी, क्रीम चीज़, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, मैदा और एप्पल्स मिक्स कर दीजिएगा, नीचे रख दीजिएगा डिश में। उसके बाद क्रम्बल के लिए मैंने मैदा, मक्खन, पिसे बादाम, चीनी और दालचीनी यानी सिनेमन लिया था, मिक्स करके उसको ऊपर से क्रम्बल करके डाल दीजिएगा। और ये देखें, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखें नीचे से केक बेक हो रहा है, ऊपर से क्रम्बल हमारा अच्छा सा गोल्डन हो रहा है, चीनी पिघल रही है, तो इसी तरह बनाइएगा और बहुत मज़े का केक बनता है। इसके ऊपर आपको कोई फ्रॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं है क्रम्बल के ऊपर, अगर आप चाहते हैं तो एक एक चमचा लीजिएगा इसको डिश में से निकाल के, वेनिला आइसक्रीम या वेनिला कस्टर्ड के साथ सर्व करिएगा एज अ डिज़र्ट, और अगर टी टाइम के लिए सर्व करना है वैसे ही करिएगा। इसको और मज़ीद मज़ेदार बनाना है तो फिर क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग के साथ आप इसको कर सकते हैं गार्निश, ठीक है जी। चलिए ब्रेक की तरफ चलें, क्या ख्याल है, हम जरा क्लीन अप करते हैं, फिश हमारी स्टीम हो रही है, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। 888-881 इस नंबर पे SMS करिए और बताइए अगर आपको जीतना है डिलक्स आयन इनेक्स की तरफ से, जल्दी से हमें बताइए सेब के रेसिपीज के नाम, एप्पल से क्या क्या बन सकता है, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक। यहाँ हूँ स्कोर के साथ, ट्राइंग टू जस्ट चेक कि हमारा केक हो गया कि नहीं, नहीं हुआ, ऊपर से क्रम्बल में आ गया, नहीं हुआ, अभी टाइम है। फिश दिखाइए, फिश तो हो गई है, कैसे पता चलता है फिश हो गई, यू कैन फ्लेक इट ईजली, इस तरह देखें, ये हो गया ना फ्लेक,
फिश इज़ डन, खुशबू बहुत आला आ रही है, इसलिए कि जो हमने ये फ्रेश चीज़ें डाली हैं कूट के, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और केले के पत्तों में पकाने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ ऑल्दो इट्स अ ड्राई डिश, लेकिन आप इसको सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ। तो ये एक मोल्ड है, किसी ने कहा ये इस्त्री लेके आ गई पुराने ज़माने की, ज़रनक इस्त्री नहीं है, ये मोल्ड है, ठीक है। उसमें हमने चावल भर दिए थे और आराम से आप उठाएंगे तो इस तरह इसका शेप है, तो ये चावलों का शेप इस तरह आ जाएगा। फ़िश को हम रख देंगे बनाना लीफ पे और इस तरह हम सर्व करेंगे। और जी एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रनक। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ये आपने स्टीमर का जो तरीका बता रही है ना बच्चियों को, ये बहुत अच्छा तरीका बता रही है। क्या ये स्टीमर जो है? अच्छा, ना इसमें आप मछली बना रही हैं। हेल्दी खाना इसमें बनता है, तेल शेल कुछ भी नहीं, फ्राइंग वाइंग कुछ भी नहीं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है, मैंने भी अपनी बेटी के लिए खरीद चेक रखा है जेज में, तो अब ये तरीका भी आ गया किस तरह इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको सवाल का जवाब देना था जी। तो ना एप्पल से ना मिल्क शेक बनता है, एप्पल का सालन भी बनता है, एप्पल जैम भी बनता है, एप्पल फ्रूट में भी इस्तेमाल होता है और एप्पल का मुरब्बा भी बनता है। ठीक है, ओके, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, सबके जवाब नोट कर दिए हैं, देखते हैं कौन जीतता है। ओके, सो नाउ आपने क्या करना है, अगर वो सॉस आपने थोड़ा सा रखना है तो थोड़ा सा आप चिकन का स्टॉक जो था वो रखिएगा और वो आप साथ ड्रिजल कर दीजिएगा। मैंने सब कुछ इसी में डाल दिया था, ठीक है, और ताकि ये मछली चिपक ना जाए नीचे स्टीमर पे और जो सॉस है वो भी उसी में रहे, तो मैंने ये केले के पत्ते रखे हैं। आपके पास नहीं हो तो आप नहीं रखिएगा, कोई बात नहीं, किसी डब्बे में आप स्टीम कर दीजिएगा, कोई डब्बा रख दीजिएगा, कोई छोटा पायरेक्स का डिश रखिएगा उसमें रख दीजिएगा। जो लोग डाइट पे हैं और डाइट कॉन्शियस हैं, फ्राई नहीं करना चाहते हैं, डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो इस तरह स्टीमर इस्तेमाल करें। नहीं है स्टीमर, कोई बात नहीं, डीप पतीले में ऐसे जाली रख दीजिएगा, जाली रखिएगा और उसके ऊपर पतीला रख दीजिएगा जिसमें आपने स्टीम करना है, लेकिन पानी फिर कम होगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करिएगा, पानी सूखना नहीं चाहिए स्टीमर का। एक कॉलर है जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जाना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त रेसिपी, फर्स्ट वाली रेसिपी मेरी थोड़ी सी शुरू में मिस हो गई है, मैं इंशाल्लाह उसको रिपीट में देखूंगी। कौन सी रेसिपी? केक की मिस हो गई? जी जी बिल्कुल, मेरी थोड़ी सी शुरू में मिस हो गई है, लेकिन तो मैं बताती हूँ आपको, डोंट वरी, पहले मैं उसको रिपीट में भी देख लूंगी, वैसे बहुत जबरदस्त लग रहा था, इंशाल्लाह मैं उसे जरूर ट्राई करूंगी। ठीक है, और दूसरा आपकी जबरदस्त रेसिपीज होती हैं, खुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है, इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं। थैंक यू, क्या क्या चीजें आप लोग नोट करते हैं मुझे बताएं। हाँ? बिल्कुल, आपके कपड़े, आपकी स्माइल, आपका लहजा, सब कुछ नोट किया जाता है और माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। ओह माय गॉड, थैंक यू थैंक यू। और मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी जी, एप्पल चिकन, एप्पल जो एप्पल जूस के साथ साथ आप उसको मुख्तलिफ डिजर्ट में भी बना सकते हैं, एप्पल के साथ फ्रूट चाट में भी यूज होता है जी, और एप्पल जैम, एप्पल मुरब्बा और एप्पल केक, एप्पल कस्टर्ड, बहुत सारी चीजों में एप्पल यूज होता है, माय फेवरेट फ्रूट है। थैंक यू, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय केक नाउ, बस मेरा केक हो जाए, ऑलमोस्ट डन। नीचे से देखें ब्राउन भी हो गया है, अच्छा सा हो गया है, बस आई जस्ट वांट, मैं फिर ऐसे करती हूँ कि मैं ऊपर नीचे वाला फंक्शन ऑन कर देती हूँ, ये वाला, ठीक है, ये ऊपर और नीचे और फैन है, ताकि ज़रा ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी हीट लग जाए, 5 मिनट हैं अभी शो खत्म होने से, तो एटलीस्ट ऊपर से हीट लग जाएगी, तो फिर जो चीनी मैंने डाली है मक्खन वगैरह वो ज़रा अच्छा सा क्रम्बल भी थोड़ा सा ज़रा ज़रा क्रिस्पी सा और गोल्डन सा हो जाए। एक और कॉलर हैं, हेलो, आप अपनी, वालेकुम अस्सलाम, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिएगा वरना लाइन कट जाएगी। जी, मुझे आपसे बेसन के लड्डू की रेसिपी पूछनी थी। क्या जी? मुझे आपसे बेसन के लड्डू की रेसिपी पूछनी थी। समझ नहीं आ रही, क्या, कौन सी रेसिपी? बेसन के लड्डू की। बेसन के लड्डू सीखने हैं, ठीक है, बनाएंगे जी। और कुछ? मेरी पहली दफा किसी शो में मैंने कॉल लगाई, मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा जी, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, खुशामदीद हमारे शो में, इसी तरह देखते रहिएगा हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करिएगा, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जवाब तो देती जाइए, एप्पल से बनने वाले, सेब से बनने वाले रेसिपीज के नाम बताइए।
चली गई, आए हाय। चलें अब मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ, बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं अपना केक निकाल के यहाँ रखूँ और मैं अपनी मछली निकाल के यहाँ रखूँ केले के पत्ते पे एंड आपको सर्व करूँ, दैट्स इट। अगर किसी ने केक मिस कर दिया है तो उनके लिए मैं जल्दी से रिकैप कर दूँ। वैसे रेसिपी कार्ड भी अभी चलेगा। मैंने आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, 2/3 कप मैंने उसमें पिसी हुई चीनी डाली थी, 3 अदद अंडे थे, एक के बाद एक डालिएगा, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस था, 1/2 कप क्रीम चीज़ डाला था, 3 चमचे कॉर्नफ्लावर था, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 2 कप मैदा था और 600 ग्राम सेब होने चाहिए। छिलका उतार के चॉप कर दीजिएगा। सब कुछ मिक्स करके फैला दीजिएगा एक में, टिन में, किसी भी चीज में। क्रम्बल के लिए मैंने 1/3 कप मक्खन लिया था, 2/3 कप मैंने मैदा लिया था, 1 कप पिसे हुए बादाम थे, छिलका उतार के यूज करिएगा, 2 चमचे दानेदार चीनी थी और 1 टीस्पून या टेबलस्पून, सॉरी मैंने तो टेबलस्पून डाला था, मुझे दालचीनी बहुत पसंद है, तो 1 टेबलस्पून मैंने दालचीनी का पाउडर डाल के मिक्स कर दिया। मक्खन ये वाला ठंडा होना चाहिए, क्रम्बल सा हो गया तो आपने उसके ऊपर डाल के अवन में रख दिया। ये देखें 35 मिनट में 35 मिनट में हमारे अवन में हो जाता है। अगर फैला हुआ टिन होगा तो जल्दी हो जाएगा, छोटा होगा टिन और बैटर इतना हाई होगा और ऊपर क्रम्बल होगा तो टाइम लगेगा। कपकेक्स कर रहे हैं तो 20-20 मिनट में हो जाएंगे, तो इसी तरह आप टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे जैसे बड़ा या छोटा आप डिश यूज़ कर रहे हैं। और स्कूअर का इस्तेमाल करिएगा, स्कूअर पोक करके निकालिएगा, बिल्कुल साफ आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं चलती हूँ एक ब्रेक की तरफ, आप कहीं मत जाइएगा। बीबी वक्त है अगर आपको जीतना है हमारे शो के थ्रू इनेक्स की आयरन, तो जल्दी से 888 पे मुझे बताइए सेब से बनने वाले रेसिपीज के नाम, एप्पल्स मसाला। FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक। एप्पल क्रम्बल केक, अजसा मक्खन 1/2 कप, इसी चीनी 2/3 कप, अंडे 3 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, क्रीम चीज 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, मैदा 2 कप, सेब छिले और चॉप्ड 600 ग्राम। क्रम्बल बनाने के लिए मक्खन 1/3 कप, मैदा 2/3 कप, इसे बादाम 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, दालचीनी 1 चाय का चम्मच। तरकीब, एक बोल में मक्खन और पिसी चीनी डालकर फेंटें, फिर इसमें एक एक करके अंडे शामिल करके फेंट लें, उसके बाद क्रीम चीज़ और वनीला एसेंस डालकर फेंटें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और मैदा छानकर शामिल करें, फिर इसमें छिले और चॉप्ड सेब डाल के फोल्ड कर लें और इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए पैन में शामिल करें। क्रम्बल बनाने के लिए मक्खन पिघलाकर इसे बादाम, मैदा, चीनी और दालचीनी डालें और मिक्स करें। अब इसे केक के ऊपर शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक कर लें। स्पाइसी स्टीम्ड फिश अजसा, लेमन ग्रास 2 अदद, फिश फिले 1/2 किलो, लीमू स्लाइस सर्व करने के लिए, हरा धनिया सर्व करने के लिए, स्लाइस लाल मिर्च 1 अदद सर्व करने के लिए, सी सॉल्ट हसबे जायका, स्टीम ड्राई सर्व करने के लिए, सॉस बनाने के लिए चॉप्ड लाल मिर्चें 4 अदद, चॉप्ड हरे धनिया की जड़ें 2 अदद, लहसुन 4 जवे, सी सॉल्ट 1/2 चाय का चम्मच, चिकन या फिश स्टॉक 1/4 कप, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, लीमू का रस 3 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चम्मच। तरकीब, सॉस बनाने के लिए ग्राइंडर में चॉप्ड लाल मिर्चें, चॉप्ड हरा धनिया की जड़ें, लहसुन और सी सॉल्ट डालकर ग्राइंड कर लें, फिर इस पेस्ट को बोल में निकालकर चिकन या फिश स्टॉक, फिश सॉस, लीमू का रस और चीनी शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद फिश फिले को लेमन ग्रास के ऊपर रखकर नमक लगाएं। अब इसे स्टीमर में रखकर ढकें और 5 मिनट स्टीम दें, फिर फिश पर तैयार की हुई सॉस डालकर मज़ीद 6 से 7 मिनट स्टीम कर लें। उसके बाद फिश को सर्विंग प्लेटर में निकालकर स्लाइस लीमू, हरा धनिया और स्लाइस लाल मिर्च से गार्निश कर दें। आखिर में स्टीम्ड राइस के साथ गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। देखें मैंने यहाँ थोड़ा सा अपने हरा धनिया डाल दिया जस्ट फॉर द नाइस कलर, ठीक है, और लाल वाली मिर्चें हैं, दिस इज ऑल्सो अगेन कलर, लेमन रख दीजिएगा और ये आप सर्व कर दीजिएगा। इस तरह नहीं करना है तो आप तो प्लेट में करना चाहें प्लेट में कर दीजिएगा। केक की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ट्राई ज़रूर करिएगा। ये ऊपर का जो टॉपिंग है, जो क्रम्बल है, वो हार्ड हो चुका है, ठीक है, इट्स नाइस एंड क्रंची।
एनएक्स की जो विनर हैं वो अफरोज हैं कराची से। आज लज्जत में 5 बजे लाइव चिकन निहारी, बटर नान और मुतंजन सेवैयाँ बनेंगी। कल मैं क्या बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी एक चिकन की कड़ी बनेगी और पाइनएप्पल मेरेंग केक बनेगा। तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा ज़रूर 3:30 से 4:30 पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे हफ्ता इतवार को भी मेरा एक शो है पॉट पैन एंड प्रोटीन के नाम से, जिसमें मैंने अंडे और चिकन की रेसिपीज़ बनाई हैं, वो भी ऑन एयर हो गया है इस हफ्ते से। सो देखिएगा नेक्स्ट सैटरडे संडे 6 बजे शाम को, ठीक है। चलिए जी, अब इट्स टाइम टू एंड अप, आप मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारे दूसरे सारे शोज़, रिकॉर्डेड भी, लाइव भी। और कल मेरी मुलाकात होगी आपसे अब 3:30 बजे लाइव, तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज। अब जाते जाते याद दिलाती चलूँ कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।